श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग का श्लोक 18 देखते हैं। पहला चरण त आदि के साथ व पूरा त्व म पूरा है, क्षत्रिय का अर्थ हुआ आधा क और श से षटकोण पूरा, म के साथ आधा क मक्षर त्वमक्षर र पी अनुस्वार आधा म त्वमक्षरम पर, दोनों अक्षर पूरे दोनों में अमिक्स करना है, पर म के ऊपर अनुस्वार आधा म परमम दीदी त आधे व को आप त के साथ भी पढ़ सकते हो और य के साथ भी पढ़ सकते हो, तव्य य पे अनुस्वार आधा म तव्यम। पहला चरण रिपीट करते हैं, त्वमक्षरम परमम दीदी तव्यम। दूसरा चरण त आधे को व पूरे के साथ त्व म के साथ आधा स, मत्स्य नहीं बोलना है यहाँ पे, मत्स्य है आधा से संतो वाला है, मत्स्य में अमिक्स करेंगे त्व मत्स्य, वी के साथ आधा से विश, व के साथ आधा से वस य विश वस्य, पर दोनों अक्षर पूरे पर र पे अनुस्वार आधा म परम निधान के साथ आधा म नम निधानम। सेकेंड चरण रिपीट, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। पहला और दूसरा चरण साथ में, त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। तीसरा चरण त आदि के साथ व पूरा त्व म पूरा म में मिक्स करेंगे त्वम, फिर आधे व के साथ य पूरा व्य और य पूरा उसमें य में अमिक्स करेंगे त्वम व्यय, य में अ की मात्रा से विसर्ग को पढ़ेंगे ह त्वम व्यय, शा के साथ आदर्श शाश, वत दोनों अक्षर पूरे दोनों में अमिक्स करना है, वत ध म के ऊपर आधार धर्म, गो के साथ आधा पर गोप्ता। तीसरा चरण रिपीट, त्वम व्यय शाश्वत धर्म गोप्ता। चौथा चरण स में अमिक्स करना सना, त में अमिक्स करना त, न के साथ आधा स सनातन, स आदि के साथ व पूरा त्व, शब्द पुराने के बाद व पे अनुस्वार आधा मत्व, पुरु दोनों मात्राएं छोटी है, पुरु शो षटकोण है, थोड़ा तेज पड़ा जाएगा, म में अमिक्स करना है मतो में। चौथा चरण रिपीट, सनातन स्वम पुरुषो मतो में। तीसरा और चौथा चरण साथ में, त्वम व्यय शाश्वत धर्म गुप्ता सनातन स्वम पुरुषो मतो में। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वापस, त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। श्लोक का अर्थ देखते हैं, त्वम अक्षरम, त्वम अक्षरम, त्वम यानी आप, अक्षरम यानी अक्षर ब्रह्म हो, परमम परम वेदितव्यम, वेदितव्यम यानी जानने योग्य है, त्वमस्य आपसे इस, त्व त्वम म आधा हो गया और म में जो अमिक्स किया उससे बन गया अस्य, त्वम यानी आप इस विश्वस्य संपूर्ण विश्व के परम निधानम, परम निधानम निधान होता है जो आश्रय है, तो आप ही परम, आप ही जानने योग्य परम अक्षर है और आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। त्वम व्यय ममी अमिक्स किया था तो त्वम आधा म त्वम बन जाएगा आप और ममी जो अमिक्स किया उससे बन जाएगा अव्यय अविनाशी। शाश्वत धर्म गोप्ता,
शाश्वत धर्म गोप्ता यानी जो आप सनातन धर्म चल रहा है उसके रक्षक हैं। सनातनस्त्वम सनातन सनातनस्त्वम आधा सह शब्द को जोड़ा है सनातन विसर्ग था सनातन और त्वम आम पुरुषो पुरुष मतो मत यानी मानता हूं मैं यानी आप मतो में से मेरे अनुसार भी कर सकते हैं या मैं ऐसा मानता हूं ये भी ले सकते हैं। तो पूरे श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं, आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं, आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है ऐसा मैं मानता हूँ। आप ये भी कर सकते हैं या मेरे अनुसार आप ही परम अक्षर हैं, संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं, सनातन धर्म के रक्षक हैं और अविनाशी सनातन पुरुष है। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। नारायण 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 नारायण।